राजा, मुझे माफ कर दो। अभी तक जो हुआ वो सिर्फ एक नाटक था। सच तो ये है कि पहली ही नजर में तुम मेरे दिल में समा गए थे, और अब दिल तुमसे बहुत कुछ कहने के लिए बेकरार है। तुम आ रहे हो ना? हंसती गाती देविया भारती मर गई। जिंदगी के अनजान राहों में मौत के हाथों बिखर गई। दिलों में उतरने वाली मिट्टी में उतर गई। शोहरत के आसमान को छूकर नाजो अदा से चलने वाली जाने किस पाताल में जाकर ठहर गई। वो जहां भी है उसकी याद सता रही है, तड़पा रही है, दिल को जला रही है, रुला रही है। देविया भारती की याद में रोने वालों के लिए इस कैसेट में ऐसे गीत शामिल किए गए हैं जो देविया भारती ही पर फिल्माए गए। देविया भारती भोली भाली मोहब्बत करने वाली लड़की थी। उसने जिसे चाहा टूट कर चाहा, आखिरकार उसने अपना दिल चीर कर दिखा दिया। जी।
मुझे अच्छी तरह याद है कि एक रोज शूटिंग के दौरान देवी भारती एक लव सीन में मुझसे ऐसी लिपटी कि सीन ओके होने के बावजूद भी वो मुझसे लिपटी रही। मैंने खुद उसे अपने से जुदा किया तो उसकी आंखों में नमी थी। मैंने पूछा, क्या बात है देविया? तो कहने लगी, कुछ नहीं। मैंने इसरार किया तो उसने बताया कि वो किसी और के ख्याल में मुझसे लिपट कर रोई थी। मैंने मजाक के मूड में कहा कि काश वो मैं होता तुम जिसकी याद में रोई थी। तो ना चाहते हुए भी हंस पड़ी और उसने अगले सीन की शूटिंग के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। मैं खींची चली आई पिया, चली आई पिया, मैं बंधी चली आई पिया, मैं खींची चली आई पिया, चली आई पिया, मैं बंधी चली आई पिया। प्यार की कच्ची डोरी से चुपके से चोरी चोरी से आहा चोरी से आहा चोरी से तूने मुझको बांध लिया। मैं खींची चली आई पिया, मैं बंधी चली आई पिया, मैं खींची चली आई पिया, मैं बंधी चली आई पिया।
छुपो लाख हमसे, ये दिल आशना है तुम्हें जानता है, तुम्हें जानता है, तुम्हें चाहता है, तुम्हारे ही दामन पनाह चाहता है। देवी भारती ने जिसे चाहा वो उसे क्यों नहीं मिल सका, ये एक लंबी दास्तान है। इस दास्तान के कई किरदार हैं जो वक्त के साथ साथ सामने आते रहेंगे, मगर इस दास्तान के उन लाखों किरदारों में से मैं एक ऐसा किरदार हूं जिसने देवी भारती से खामोश मोहब्बत की। कभी इजहार का मौका नहीं मिला, अगर कभी मौका मिला भी तो इजहार की हिम्मत ना हो सकी, लबों पर ताले पड़ गए। इसी एक झिझक ने देवी भारती से संजोग नहीं होने दिया। देवी भारती को ना दौलत की लालच थी, ना शोहरत की परवाह थी, ना किसी आलीशान ताजमहल की उसे जरूरत थी। वो तो बस मोहब्बत का मोहब्बत से जवाब देने वाले दिल की तलाश में थी, और वो बदनसीब दिल कल भी मेरे सीने में धड़क रहा था और आज भी मेरे सीने में धड़क रहा है। दिल आशना है, सदते जाऊं मैं हूं तेरे साथ में, के दे दे तू इन हाथों को सनम मेरे हाथ में। तेरे गम के सदते जाऊं मैं हूं तेरे साथ में, के दे दे तू इन हाथों को सनम मेरे हाथ में। तुझे फिक्र क्यों है जानम, जिगर में उतार लूं, जरा तू जो हंस के देखे ये रस्ते संवार लूं। इधर आ मैं तेरे आंसू जिगर में उतार लूं, जरा तू जो हंस के देखे ये रस्ते संवार लूं। तेरा हम सफर मेरा दिल, मेरा दिल।
फिल्मी दुनिया में देविया भारती ने जितनी तेजी से कामयाबी और मकबूलियत हासिल की, उतनी ही जल्दी उससे हसद करने वाले भी पैदा हो गए थे। मगर यह देविया की आला जरफी थी कि उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की और ना कभी किसी की परवाह की। वो तो बस हर वक्त मुस्कुराती रहती और अपनी मीठी मीठी बातों की खुशबू से अपने मिलने वालों को, अपने चाहने वालों को अपना दीवाना बनाती रहती। किसी से नाराज होना, किसी का दिल दुखाना तो देविया ने सीखा ही नहीं था। वो तो बहुत ही नरम, बहुत ही कोमल जज्बात रखने वाली लड़की थी।
देवी भारती को अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यही दुख यही मलाल था कि जीवन बंधन में बंध जाने के बावजूद उसका जीवन साथी इस ताल्लुक इस संबंध इस संजोग का ऐलान सबके सामने करने से क्यों हिचकिचाता रहा। वो कौन सी मसलहत थी जिसने उसे बेबस कर रखा था। हालांकि कानूनी तौर पर वो किसी की हो चुकी थी और निकाहनामा भी उसके पास मौजूद था। उसका हर दिन हर रात हर पल अपने दिलदार की चाहत में गुजरता था। न जाने वो फिर भी इतनी अकेली क्यों थी। Thank you.
तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, मगर जिंदगी को जिंदगी बनाने में, अपने आप को मौत से बचाने में इंसान खुद भी अपना किरदार अदा करता है। देविया भारती की जिंदगी जन्नत बन सकी या नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर उसने हर पल जिंदगी को जहन्नम बनने से बचाया। बल्कि उसका रवैया, उसका आदर्श, उसका माहौल इतना खूबसूरत था कि उसके करीब जाने वालों में जीने का नया एहसास पैदा हो जाता था। उससे एक बार मिलने वाला उसी के हुस्न में खो जाता था। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मन आशिक तेरे दीवाने हैं,
जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं। है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार कर, सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं।
दिव्य भारती ने अपनी जान कुर्बान करके नई नस्ल को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिंदगी क्या है। जिंदगी जो बहुत अहम है, कभी कभी हकीकत और मोहब्बत के मामलात में बिल्कुल गैर अहम भी हो जाती है। और यह सूरत हाल किसी मायूसी या बेबसी की वजह से नहीं होती, बल्कि जमीर की आवाज, दिलो दिमाग की पुकार इंसान में ऐसे हालात का सामना करने का हौसला पैदा कर देती है कि जिससे मोहब्बत है अगर वो नहीं मिल सकता तो जीने का क्या फायदा। ऐसे जीने से मौत बेहतर, बिन इश्क अगर है सांस जारी। जन्म लें सब पहले, फिर ओढ़ के माटी सो जाए। संजोग हो क्या उन लोगों से जो आंख से ओझल हो जाए।
मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने
मकाम कर दिया। उसकी खातिर अब क्या रोना, वो लम्हा था बीत गया। इश्क तो ऐसा खेल है जिसमें जो हारा वो जीत गया।